अभी हम देखेंगे एफएससी सीजीएल का सेक्टर नंबर 3। चलो सवालों पे आते हैं। एक पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर उसका वो काम कर रहे हैं। एक बेटा 3 घंटे में, एक बेटा 6 घंटे में काम कर सकता है। उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मान लेते हैं ए और बी उसके बेटे हैं, ये दोनों मिलकर जो है जितना काम कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा उतने ही समय में जो है इनके पिताजी काम कर रहे हैं। तो ये अगर पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि पिताजी कितने दिनों में करेंगे काम। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का अगर निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है ऊपर गुना नीचे जोड़ना, ऊपर गुना यानी कि 3 गुना क्या दिया 6, और ये 9 हो जाएंगे। और आप इसको डिवाइड कर दो, 3 या 9, 3 गुना यानी कि 2। अगर ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर जो है 2 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो पिता भी जो है 2 दिन में काम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। इसे हम इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। देखो, समचतुर्भुज एक ऐसी समतल आकृति होती है जिसके चारों भुजाएं जो है क्या होती है, समान होती हैं। लेकिन याद रखना है कि इनका जो विकर्ण होता है वो समान नहीं होता। दूसरी चीज, अगर एक समचतुर्भुज के सभी कोण अगर 90 डिग्री अगर हो जाते तो ये एक क्या बन जाता, आयत बन जाता। इसीलिए याद रखना है कि समचतुर्भुज के जो चारों कोण रहेंगे ए डी बी सी, ये सभी चारों कोण जो है ये 90 डिग्री नहीं रहेंगे। और एक चीज़ याद रखना है कि एक चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं अपने विपरीत विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को जो है परपेंडिकुलर जो है होते हैं, हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं डायग्राम में। और ये आपस में क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, यानी कि राइट एंगल बनाते, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। पहला, यदि आपको आधार और ऊंचाई दी होंगी तो उसका फॉर्मूला बनेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। और यदि आपको उसका विकर्ण दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, 1/2 पहली विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी कि diagonal 1 × diagonal 2। तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर आपको परिमाप बोला तो आपको तो याद रखना है चारों भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए 4 × S। Diagonal 1, Vikarn 1, Vikarn 2। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुना ऊंचाई, यानी कि एक कोई भुजा आपको पता होना चाहिए 240। अगर इसका परिघ दिया है तो एक भुजा कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 से आप इसको भाग दे दीजिए, यानी कि हो गई कितने की, 60 की। और ये जो उसकी ऊंचाई है ये आपको दिया है उसने, ठीक है, कितना दिया है, 20 मीटर, ठीक है। अगर 20 मीटर है तो 20 मीटर। अब आपको यहाँ पर पुटअप करना है सिंपली, जैसे आयत है वैसा इसका फॉर्मूला है लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है वहाँ पर। 20 × 60 हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 1200 मीटर। यहाँ पर लंबाई नहीं आधार चाहिए, या आप कुछ भी बोलिए, ठीक है, कोई भी एक भुजा ले लीजिए। इसमें और भी सारे कई अलग अलग सूत्र है, फॉर्मूले हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तीसरे सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 2/3 की छूट देने के बाद कोई वस्तु जो है
डिस्काउंट देने के बाद में उसने 450 में बेची है, मुद्रित मूल्य कितना है? तो देखो उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 16 2/3, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/6, यानी कि पहले उसकी कीमत 6 थी, है ना, अभी उसने कीमत कम की है, तो यानी कि कितने कम की, एक कम की है, ठीक है, तो यानी कि उसने 5 कर दिए, ये उसका क्या है, बिक्री मूल्य अभी का जो नया वाला डिस्काउंट देने के बाद में बना, और बिक्री मूल्य उसने दिया 450, और उसका पहले का मूल्य कितना था, 6, ये हमको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दो, 90 × 6, ये हो जाएंगे 954, यानी कि 540। उसके बाद में चौथा सवाल है, 770 रुपये को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि जितना धन बी और सी को मिलकर मिला उसका 2/9 हिस्सा जो है ए को मिला है। देखो यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा क्या बताती है, कुल हिस्सा, यानी कि बी प्लस सी का जितना हिस्सा है उसका 2/9 हिस्सा जो है किसको मिला है, ए, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 हिस्सा जो है किसका है, ए का है, और ये जो टोटल हिस्सा है 9, ये किसका है, बी और सी का है। तो यहाँ से जो है हमको पता ही चल गया है कि ए का हिस्सा अगर 2 है तो बी प्लस सी का 9 हो जाएगा, टोटल हिस्सा उसने दिया है दोनों तीनों का, ए बी सी का टोटल हिस्सा जो है वो 770 कुछ दिया है, ठीक है, इनका रेशियो कितना हो जाएगा टोटल, ये अगर 2 है ना, इन दोनों का मिलके जो है 9 है, तो टोटल हो जाएगा 11, 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 × 7 = 77, 70 हो जाएंगे, और किसका हिस्सा निकालना है, ए का, तो ए से इसको गुना कर दो, तो 7 × 14 यानी कि 140। क्या बोला है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है, 4 दर्जन अंडे जो है उसने 24 प्रति के हिसाब से खरीदे, तो 4 दर्जन की टोटल कीमत कितनी हो गई है, ये हम निकाल लेते हैं, 96। उसके बाद में 2 दर्जन उसने 32 के भाव से खरीदा, है ना, 1 दर्जन की कीमत 32 है, तो 2 की कितनी हो जाएंगी, 64। अब उसने जो है इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो टोटल देख लेते कितना हो गया, पहले तो 160, इस पर उसने 20% लाभ कमाया है, तो 20% यानी कि 120% भी बोल सकते हो आप, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 12 से आप इसको गुना कर दो, तो आपको जो है ये 160 थे, तो अब 20% का लाभ उसको मिल गया है, तो कितनी हो गई है पता चल जाएगा, 12 × 6 = 72 7 × 12 = 12 19, यानी कि 192 रुपये में अभी उसने कितने दर्जन बेचा है, कितने रहेंगे, 4 और 2 6 दर्जन, तो 6 दर्जन का टोटल कीमत है कितना, 192। तो उसने पर दर्जन के हिसाब से पूछा है ना, तो 1 दर्जन की कितनी होगी, 6 दर्जन की होगी है 192, तो 1 का हो जाएगा कितना, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 × 18, 1 × 6 = 12, यानी कि 1 दर्जन की जो कीमत रहेंगी वो रहेंगी 32 रुपये। 6 नंबर का सवाल है, पी का जो वेतन है क्यू के वेतन से 25% अधिक है। देखो 25% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो निकालते हैं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, किसका वेतन अधिक है बोला है उसने, पी का, ठीक है, किससे ज्यादा है, क्यू से। देखो अगर वो बता रहा है कि क्यू का अगर 4 है तो 4 के ऊपर में 1 जा रहा है ना, मतलब कि पी का ज्यादा है बोला है ना, कितना ज्यादा है, 4 से 4 के ऊपर 1, है ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि पी का वेतन हो जाएगा 5। उसके बाद में
उसमें बोला है कि अब क्यू का वेतन कितना कम है। तो कितना कम है यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि 5 से ये कितना कम हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 5 के ऊपर में जो है ये 1 कम हो रहा है ना। तो 5 के ऊपर में 1 कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है, 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ये जो है मैंने परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आती है तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 20%। देखो सातवें सवाल में जो है, जब भी आपको ऐसा सवाल आता है ना कि मतलब कि कोई दौड़ना चालू कर रहा है और वो इस पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, यहाँ से अगर शुरू किए तो यहीं पर मतलब कि एक ही समय पर, तो जैसे कि पहले के बारे में आपको दिया है कि 40 सेकंड उसको लग रहे हैं, दूसरे को बी को जो है 50 सेकंड लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका पहला राउंड जो है मतलब कि 40 सेकंड में हो गया, दूसरा 80 में होगा, जबकि इसका तो 100 में हो जाएगा। यानी कि ये अभी भी जो है पीछे है, एक ही समय पे नहीं पहुंचे हैं। तो ये पूछा है आपको, जब भी ऐसा सवाल आता है ना एलसीएम निकालो, नहीं तो फिर आप ऐसे जोड़ जोड़ के भी कर सकते हो। 120 एक से इसके हो जाएंगे 150, इसके बाद में इसके 160 हो जाएंगे, तब भी ये 150 मतलब कि अभी आसपास ही होंगे, फिर उसके बाद में इसके 200 हो जाएंगे और इसके भी 200 हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जो है कौन से सेकंड पर जो है एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे, 200 सेकंड पर, क्योंकि इसने जो है इसके 4 राउंड हो गए बराबर, इसके 5 राउंड हो गए, बस यही है। लेकिन आखिरकार दोनों एक ही जगह पर है, ये हम बोल सकते हैं। तो आपको जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए 40 और 50 का, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 10, 4, 5, 4, 5, 20 और 20 गुना 10, 200। देखो 8 नंबर के सवाल में यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर एक्स था जो कि नहीं है, नहीं तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दी है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो, 3 × 1/3 हो जाएगा, तो एक आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा, और इसका आंसर 1 ही है। देखो इस तरीके से आपको दिया है, पी की वैल्यू दिया है, तो देखो यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, ये आपको बस क्या करना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा, तब जो है इस फॉर्म में हम इसको मानेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस इधर आके 3। अब आपको क्या करना है, इसको रेस्ट टू पावर 4 करना है। तो एक तो तरीका क्या है कि आप जो है बारी बारी कीजिए, जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो आपको पता है स्क्वायर करते तो हम क्या करते हैं, ये पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1/P² स्क्वायरिंग करेंगे तो, और ये जो माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायरिंग तो इसका भी करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 9। अब जैसे कि मैंने बताया था 2 जो है ये इधर माइनस है तो माइनस में रहेगा, इधर प्लस में है तो प्लस में रहेगा, इसको हम उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस में था तो इधर हो जाएगा प्लस, यानी कि 11। लेकिन हमको इसका आंसर नहीं चाहिए, हमको किसका आंसर चाहिए, रेस्ट टू द पावर 4 का। तो फिर से इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग करेंगे अब इस बार तो आपको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर 121 और यहाँ पर इनका स्क्वायर हो जाएगा मतलब के 2 गुना पावर बढ़ जाएगा, है ना, 1 रेस्ट टू पावर P रेस्ट टू पावर 4 जो हमको चाहिए था वो तो मिल गया। लेकिन अब हमको याद रखना है कि 2, इस 2 का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्लस है तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो -2 यानी कि 119। तो इस तरीके से एक सवाल दिया है जिसमें त्रिभुज है ABC, जिसमें एक लंब दिया है परपेंडिकुलर 12 AB और AC बराबर है 15 15 की, और आपको BC पूछा है। तो ये अगर निकालना है तो आप ये भी बोल सकते हैं, अरे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको और इसको एक भुजा मान लिया, इसको हाइपोटेनियस मान दिया, तो 15 का वर्ग - 12 का वर्ग = क्या हो जाएगा, ये BD मान लेते हैं, BD का वर्ग,
ये वर्ग इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। 15 का वर्ग 225 माइनस 144, इसमें से माइनस कर दो 66, 81, 81 का वर्गमूल, तो आपका आंसर आ जाएगा BD जो कि आएगा 9। ठीक है, ये तो आप मेरे ख्याल से आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो BD अगर 9 है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 9 और उधर का भी 9 हो जाएगा, क्योंकि ये दो हिस्सों में बट गया बराबर। ये 9 है तो ये भी 9 ही रहेगा, यानी कि ये टोटल जो है कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, यानी कि 18। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया है जिसमें आपको बोला गया है कि एक्स जो है मध्य बिंदु है किसके ऊपर में, ए बी के ऊपर में, वैसे ही वाई एक मध्य बिंदु है किसके ऊपर में, ए सी के ऊपर में। एक्स जो है ए बी के ऊपर में है और वाई जो है ए सी के ऊपर में एक बिंदु दिया गया है, और आपको बोला गया है कि यदि अगर आप इनको मध्य बिंदु मान लेते हैं तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ेंगे एक्स और वाई को, तो यह जो रेखा है ये पैरेलल होंगी किसको, बी सी को। ठीक है, ये पैरेलल है किसको, बी सी को। तो जब कोई ऐसी आपको भुजा दिखती है जो कि त्रिभुज में पैरेलल होती है, तो इसमें जो कोण बनता है यहाँ पर, जैसे कि ए एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स वाई आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कोण है ये किसके समरूप आप देख पा रहे हो, ए बी सी के, वैसे ही ए वाई एक्स जो कोण आप देख पा रहे हो ये किसके समरूप होगा, ए सी बी के। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर इनके कोण समरूप है, इनकी भुजा समरूप है, तो यहाँ पर जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, AD और DB का जो रेशियो है वो बराबर होगा किसके, AE और EC के। वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे कि AX का और AB का जो रेशियो होगा वही रेशियो XY का बी सी के साथ में होगा। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, समरूपता थ्योरम भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप को बस ये समझना होता है कि ये जो भुजा है ये पैरेलल होनी चाहिए, अगर ये मध्य बिंदु है तो आप जो है ये बोल सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए बी है ये कितने ए एक्स से मिलकर बना है, दो, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में है ना एकदम, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो ए एक्स मिलकर जो है एक ए बी का निर्माण करेंगे। तो हमने ए बी के जगह पे दो ए एक्स की वैल्यू रखी जो कि बाद में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 2 एक्स वाई अपॉन बी सी, लेकिन हमको निकालना क्या है, बी सी माइनस एक्स वाई। तो देखो, जब भी आपको यहाँ पर बी सी माइनस एक्स वाई निकालना है तो योगांतर नियम अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको याद रखना है कि योगांतर नियम में ऊपर में प्लस करते हैं, नीचे में माइनस करते हैं, तो इसका मतलब जो है ऊपर में हमको बी सी को लेकर जाना पड़ेगा। तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, बी सी ऊपर चले जाएगा, एक्स वाई नीचे आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पर जो 2 है ये ऊपर चले जाएगा और 1 जो है नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है बाद में अभी यहाँ पर योगांतर नियम जो है इस्तेमाल कर सकते, योगांतर निष्पाती नियम या कंपोनेंटो डिविडेंटो में, डिविडेंटो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे ही ऊपर में प्लस करेंगे तो नीचे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बी सी
प्लस एक्स वाई, बी सी माइनस एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1, तो ये हो गए 3। नीचे में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं। और आपको पहले से दिया था बी सी प्लस एक्स वाई 12, जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर आ जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे 12 को, तो कितने आ जाएंगे 4। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 4। देखो 12 नंबर के सवाल में आपको बोला है कि जीरो जो है ये थीटा जो है जीरो से बड़ा है और थीटा जो है जीरो 90 से छोटा है, और आपको बोला है कि कौन सा ऑप्शन बराबर रहेगा। आप कोई भी वैल्यू थीटा की ले लीजिए, जैसे कि 30 ले लिया, तो साइन 30 जो है ये जो है साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा होना चाहिए, ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये तो बड़ा है, सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर ये प्रूफ भी करके बताया है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुटअप करना है साइन 30 की 1/2, साइन 30 की 1/2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/4, और ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हम प्रूफ भी कर रहे हैं बराबर। अब जो 13 नंबर का सवाल है उसमें आपको क्या बोला है, दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि ए माइनस बी 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर जो है ये आपको दिया है 260। अब आप जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, ठीक है, ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं यहाँ पर अगर हम माइनस नहीं ले सकते फिर, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस तो आना नहीं चाहिए, उनके वर्गों के बीच का अंतर आपको दिया है। तो देखो आप फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पर इसके वैल्यू आपको दी है ऑलरेडी, और इसके भी दी है 9, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लेंगे। नौ इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ रहा है 23 आता है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी अगर 23 आ गया है तो आपको पता है कि अगर इस तरीके से अगर रहता है माइनस में और प्लस में, बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करते हैं, प्लस करके आधे, छोटी संख्या निकालना है तो माइनस करके आधे, तो आप इसको कर सकते हो, आसान सवाल है ये। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 9 प्लस 23 कितने हो गए, 32 के आधे 16, और 9 माइनस 23 यानी कि 3 6 14 14 के आधे 7, ठीक है, और इनके बीच का अंतर भी देखिए 9 है। 14 नंबर का जो सवाल है उसमें बोला है 20 संख्याओं का औसत जो है 35 है, तो यहाँ से इसका टोटल पता चल जाएगा ना, हम इसको गुना करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है कि उसने क्या किया है, परिकलन करते समय उसको पता चला कि 85 को गलती से 45 उसने पढ़ लिया था, यानी कि उसने क्या किया है, उसको पढ़ना क्या था 85, लेकिन उसने क्या लिख दिया, 45 लिख दिया इसमें, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि उसने अभी और कितने मिलाना बाकी है, क्योंकि उसने 45 लिखा है ना, सीधी सी बात है, आप नोट गिन रहे हो, आपको 85
देना था आपने 45 ही दिए, तो सीधी सी बात जब पैसे की बात होती है तो बराबर समझ में आता है। अब बराबर समझ में आएगा कि 45 रुपये दे दिए, सीधा आप सीधी सी बात है हिसाब गड़बड़ हो गया ना, और 40 रुपये देना पड़ेगा ना, तब हिसाब बराबर होगा। कैसे? देखो यहाँ से है ना, ये यहाँ से आप देखो कि आपको और कितना 40 रुपये इसमें टोटल में देना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल बराबर बनेगा, क्योंकि आपने 45 रुपीज़ समझ लीजिए, जबकि आपको कितना देना है 85 देना है, तो यहाँ पर कितने और जाना है 40। तो यहाँ पर पहले टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 700 और इसमें 40 ये मिलाना पड़ेगा, 45 तो ऑलरेडी इसने मिला दिया है ना, इसमें 85 मिलाने की और ज़रूरत नहीं है, बस और 40 आपको देना है, तो 740 हो गए। संख्या कितनी थी? 20 थी। अब औसत निकालना है तो सीधी सी बात है, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 37। तो ये सवाल आपको दिया है, तो देखो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू दिया है, आप अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ही बनेगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस्ट टू द पावर 4। अब इनकी सबकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, इसकी आपको निकालना है, इसकी वैल्यू 2 है, 2 × x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और इसकी वैल्यू जो है आपको गिवन है कितना 6, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको भी समझा देता हूँ कि आता है कि नहीं आता, हमको क्या करना है, इसको गुना करके बताना है कि ये बनता है क्या। तो देखते हैं, एक्स से पहले इसको गुना करेंगे, फिर इसको, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4, उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है प्लस रहेगा एक्स क्यूब बाय वाई, फिर उसके बाद में इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको माइनस एक्स वाई से इधर मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, 3 हो जाएंगे। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में वाई से करेंगे, यही आपको करना है, वाई से करेंगे तो प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इधर करेंगे प्लस एक्स वाई क्यूब, फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई प्लस वाई रेस टू पावर 4, क्या क्या कैंसिल होता है देखते हैं, एक्स क्यूब वाई प्लस में है माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, एक्स वाई क्यूब ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आपके पास में बचा क्या, ये एक बचा और ये, तो देखो यही मिल रहा है आपको। ठीक है, देखो इसमें अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको जो है सिंपल तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके, और अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे तो फिर आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4AB जो है, ठीक है, इनमें इसमें भी B आपको जो है इसको ऐसा हम बोल सकते हैं कि B A और B का एक ये बनेगा सेट, और B और C का इधर एक अलग सेट बनेगा। देखो कैसे आपको इस फॉर्म में लाना है कि आपका जो सॉल्यूशन है, या आप इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सके, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ए क्यूब प्लस 4B² प्लस 6B, सॉरी
यहाँ पर 13 है ना, तो अगर यहाँ पर 4 लूँगा क्योंकि यहाँ पर 4 ए बी है तो 9 आएंगे, 9 बी स्क्वायर प्लस, अब एक काम करते हैं, ये 4 बी और ये माइनस, इसको बराबर लिखता हूँ मैं, ठीक है, -4 ए बी प्लस 4 बी स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है पहले सी स्क्वायर आएगा, फिर -6 ए बी और +9 बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अब बराबर हो गए। अब आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, क्यूब दिया नहीं है यहाँ पर, स्क्वायर है। अगर ये देखा जाए तो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर हम जो है बोल सकते हैं 2 × 2 हो गया ना, मतलब कि 2b यहाँ पर ये सही बैठ गया है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, a-2b होल ब्रैकेट स्क्वायर, देख लीजिए यही आएगा। और यहाँ पर c है, यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है, 3b का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, 3b² होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा c, माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, 3b होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका भी यही आएगा इक्वल टू 0। तो आपको अब क्या करना है, इक्वल टू 0 है तो इसके लिए भी 0 रहेगा, इसके लिए भी 0 रहेगा, तो a-2b इक्वल टू 0, c-3b इक्वल टू 0, यहाँ से भी जो है आप इसको रेशो के फॉर्म में ला सकते हो, a और b की जो रेशो है वो जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b। अब बी को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b 2:1, और इधर मैं बी को लेके आ जाऊंगा तो 3/1, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अगर डायरेक्टली ऑप्शन में पुट करते ना तो ये आंसर डायरेक्ट आता। यहाँ तक अगर कर लिया तो आगे भी बता ही देता हूँ, तो यहाँ पर क्या करना है फिर, अब सिंपली तो आ ही गया है लगभग, बी जो है दोनों के पास में है, बी 1 है, 1 है यहाँ पर, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो ये अगर 1 1 है यहाँ पर तो ये भी 3 ही रहेगा ना इस यहाँ पर, तो कुछ ये करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व 2:1:3, अब इसी को डायरेक्टली पुट कर सकते। आसान तरीका यही होता है कि आप डायरेक्टली ऑप्शन से पुट कर दो, ए की वैल्यू 2 होती तो ये हो जाता 4, यहाँ पर अगर बी की वैल्यू 1 होती तो 13 × 1 यानी कि 13, सी की वैल्यू 3 होती तो यहाँ पर 9 हो जाते, फिर यहाँ पर a into b कितने हो जाते, 2 2 × 4 - 8, यहाँ पर b × c है तो 3 × 1, 3 × 6 18 हो गए रहते, देखते हैं कि 0 आता है क्या, ये हो गया 17 17 और 9 26, 26 - 26 यानी कि 0, तो किससे आंसर आया है, इस ऑप्शन से, इसीलिए यही आंसर है। इसके बाद में 19 नंबर का सवाल है। सवाल को समझने के पहले हमको कुछ चीज़ें समझना है। देखिए, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। जब हम इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से एक लंब यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और ये तीनों लाइनें जब एक दूसरे को मिलती है, तो ये जहाँ पर मिलती है वो हमारा जो है वहाँ से हम जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो वो जो सर्कल है वो हमारे शीर्ष बिंदु वो से जाकर मिलता है। तो जब ये शीर्ष बिंदुओं से जाकर मिलता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे शीर्ष लंब से अगर हम कोई रेखा इसमें जोड़ेंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, त्रिज्या बन जाएंगी, है ना। तो ये जो शीर्ष बिंदु है, ये इस पॉइंट से एक सर्कल
समान दूरी पर है, अब हम ये इससे बोल सकते हैं। अब इसे हम परित्रिज्या कहते हैं, इसे हम परिवृत्त कहते हैं, जो हमारे एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरता है, और इसे हम परिकेंद्र कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो आपको परित्रिज्या को सर्कम रेडियस, परिवृत्त को सर्कम सर्कल और परिकेंद्र को सर्कम सेंटर कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अपने परिकेंद्र को जो है एक नाम दे देते हैं ओ, इसका हम आगे में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अब हम उसके अंदर के त्रिभुज के बारे में सोचते हैं और अपने सवाल पर भी आते हैं, ताकि हम अपने सवाल से भटके नहीं। तो हमारे सवाल में जो है एंगल 85 डिग्री दिया है और सी जो है 75 डिग्री दिया है। अब आप जो है इन दोनों कोणों की सहायता से तीसरा कोण भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 85 प्लस 75 160, तो कितना बचा, 20। तो हमारा एंगल बी जो बनेगा वो हमें मिल गया है कितना, 20 डिग्री का। अब वापस से जो है अपने परिवृत्त में आते हैं और इसे समझते हैं। देखो आपको क्या बोला है उसने, कि जो हमारा जो शीर्ष बिंदुओं से जो है मतलब के ये जो लंब रेखा हमने खींची है, ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से अगर आपको कंडीशन मिलती है, तो उसमें याद रखना है कि जो हमारा कोण बी होता है और जो हमारा कोण ओ होता है, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारा कोण ओ हमेशा किसका दुगना होगा। तो याद रखना है, ये जो हमारा कोण इसके पीछे बन रहा है बी, इसका दुगना रहेगा। तो यहाँ से हमको ये तो अंदाज़ा आ ही गया है कि हमारा कोण ये जो ओ पर बन रहा है ये कितना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो कैसे 40 डिग्री हो जाएगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि बी का दुगना यानी कि 20 और 20 यानी कि 40। तो हमको ये कोण भी मिल गया कितने का है, 40 का है। अब आते हैं अपने सवाल पर फिर से एक बार, और एक चीज़ हम और समझते हैं। जब हम कोई माध्यिका हमेशा क्या करती है, जो हमारा शीर्ष बिंदु होता है यानी कि वर्टाइसेस, ठीक है, जहाँ पर हमारा कोण बनता है, वहाँ से हम जब एक रेखा खींचते हैं जो कि बराबर जो है आगे वाली भुजा के मध्य बिंदु में जाकर जुड़ती है, तो याद रखना है ये जो है ये दो हिस्सों में बांट देती है त्रिभुज को, बराबर दो हिस्सों में, यानी कि यहाँ पर दो बराबर कोण मिलेंगे आपको, 1 2। अब हम ऐसे ही बाकी शीर्ष लंब को जो है जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है कितने ऐसे आपको त्रिभुज मिलेंगे जो कि समान होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं ये तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सभी जो है एक समान रहेंगे, ठीक है। तो ये क्यों एक समान है, क्योंकि हमने जो ये रेखा खींची है ये बराबर जो है दो हिस्सों में बांट रही है, ठीक है, और इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये बराबर जो है
मध्य बिंदुओं से जाकर गुजर रही है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो भी त्रिभुज बनेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, समान बनेंगे, समान रहेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका एरिया निकालना रहा तो सीधी सी बात है, अगर आपको पूरा त्रिभुज का एरिया दिया है तो उसको आपको कोई भी एक का एरिया पूछ लिया तो आप जो है बता सकते हो, बस आपको क्या करना है उसको 6 से डिवाइड करना है। ऐसा सवाल शायद हमने देखे भी है। अब देखो सवाल पे आते हैं, उसने हमको क्या बोला है कि जो बिंदु O है वो त्रिभुज के क्या है, शीर्षों यानी कि वर्टाइसेस ABC से समस्त दूरी में है। समस्त दूरी यानी कि एक समान दूरी पर है, A से जितना दूरी पर है B से उतना ही दूरी पर है, C से भी उतना ही दूरी पर है, और हमारी जो भुजा है OA ये हमारी क्या है, त्रिज्या है, ये रेडियस है। OB भी हमारी रेडियस है, त्रिज्या है उसी भी, तो हम ये बोल सकते हैं तीनों जो है क्या है, समान होंगी। अब आपको जो है एक और चीज़ बोला गया है, देखो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जब हमने इस रेखा को बढ़ाया था तो हमको ये पता था कि ये समान जो है कोण बनाती है ना, तो हम ये बोल सकते हैं देखो यहाँ पर जो कोण ए बनेगा और ये जो कोण सी बनेगा ये क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये जो हमारी दोनों भुजाएं आपको दिख रही है ये क्या है, समान है, क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है ना। तो ये तो प्रूफ ही है कि हमारे पास में कि ये जो है आपको दो समान भुजाएं दी है, तो इसी वजह से हमारा जो कोण बनेगा ए पे और सी पे वो समान रहेगा। अब आपने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि जो हमारा कोण ओ पे बनेगा वो कितना डिग्री होगा और ये जो हमारा कोण बी बनेगा ये कितना डिग्री होगा, तो इसको आपको फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम में समझ में आ गया था। तीनों कोणों का एडिशन आपको बताया गया था है ना, कितना होता है 180, 180 में से हमने इन दोनों को माइनस कर दिया था तो हमारा जो कोण है ये हमको पता चल गया था कितने का, 20 डिग्री का। अब देखो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ज्योमेट्री बस आपको समझना है, क्योंकि पेपर में आपको ये प्रूफ नहीं करना पूरा, आपको बस आंसर जो है टिक करना है ABCD। इसीलिए जो है आपको जो है मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें ऐसा पूरा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर आपको ये तो पता है कि हमारा एंगल बी 20 डिग्री का है, हमारा कोण जो ओ पे बन रहा है वो 40 डिग्री का है। अब यहाँ से हमको पूछा है कि जो हमारा कोण ए पे बनेगा है ना वो कितने का होगा, तो देखो आपको मैंने एक और चीज़ इसके पहले बताई थी कि ये ए और सी जो है क्या है, समान है, तो हम ये बोल सकते हैं ना। देखो ये तो 40 तो हमको पहले से मिल गया था ना कि ये ए और सी बराबर है, तो हम इनको तीनों कोणों का एडिशन लेते हैं, तीनों कोणों का एडिशन तो 180 होता है, तो हम एंगल ए और एंगल सी के बजाय मैंने क्या किया, हमको तो पता है ना कि ए के बारे में निकल गया तो सी भी निकल जाएगा, तो इन दोनों के जगह पे किसी एक को ही रखा है ना, तो एंगल ए ये दोनों एंगल ए और एंगल सी मिल जाएंगे तो ये क्या होंगे, एक ही होंगे ना, ठीक है एक से जैसे ही है ना। तो हमने क्या किया, तीनों कोणों का एडिशन करने के बजाय मैंने यहाँ पर दुगना कर दिया ए को, वही होगा ना सीधा सीधा, मतलब कि आप ए और सी को प्लस करो या ए के किसी भी कोण को दुगने कर दो। तो हमने क्या किया, हमको ज़रूरत थी एंगल ए पता करने की, इसीलिए हमने यहाँ पर ए रखा है, तो एंगल ओ ए सी को दुगना कर दिया और हमारा जो कोण था ओ पे बना वो भी हमने ले लिया, इनका एडिशन हमको पता है 180 है। तो यहाँ से तो आप सिंपल तरीके से समझ में ही आपको आ रहा होगा कि जो हमारा कोण ओ ए सी है वो हमको मिल ही गया है, बस क्या करना है 40 को उधर लेके जाना है
तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 140। लेकिन अभी यहाँ पर दो है, ठीक है, तो इस दो को भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हमको आंसर मिल जाएगा कितना 70 डिग्री। तो हमारा जो कोण बन रहा है ए पे, ठीक है, वो कितने का रहेगा, वो रहेगा 70 डिग्री का। अभी कुछ और भी चीज़ें हैं, ख़त्म नहीं हुआ है सवाल, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि ये कौन सा कोण है, न्यून कोण। जब हम किसी न्यून कोण के मध्य बिंदुओं से एक माध्यिका खींचते हैं, ठीक है, मध्य बिंदुओं से, हमने इनको नाम दे दिया डी ई एफ, ठीक है, इनसे जब एक माध्यिका खींचेंगे तो जो हमारा परि मध्य था, ठीक है, वो कहाँ पर बना है ये आपको ध्यान रखना है। वो बनता है त्रिभुज के अंदर, तो आपको याद रखना है जो हमारा परिकेंद्र जो बनेगा न्यून कोण में, वो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा। अब और कौन सा कोण होता है, समकोण। तो जो समकोण है, अब अगर इसमें से हम इसके मध्य बिंदुओं से अगर एक शीर्ष लंब यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो इसका जो मतलब के परिकेंद्र होता है वो बनता है कर्ण के ऊपर यानी कि हाइपोटेनियस के ऊपर, और कहाँ पर बनता है, उसके मध्य में। तो इस पर भी जो है कुछ सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जो हमारा कर्ण है उसके मध्य बिंदु पर ये बनता है, ठीक है, क्या, परी केंद्र। तो जो समकोण होगा उसमें परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा, और जो अधिकोण रहेगा इसमें से भी अभी हम जो है मध्य बिंदु से एक लंब रेखा खींचते हैं तो हमको ये दिखेगा कि ये जो हमारा परिकेंद्र है ये त्रिभुज के बाहर बनेगा। और आपको ये सवाल पूछा भी गया है कि कौन सा मतलब के कौन होता है जिसमें मतलब के परिकेंद्र जो है त्रिभुज के बाहर बनता है, तो आप जो है बोल सकते हैं वो है अधिकोण। तो अधिकोण त्रिभुज में जो है परिकेंद्र बाहर होता है। सवाल में हम पहले ये समझेंगे, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनेगा वो हमारा अंत सर्कल कहलाएगा, अंतवृत्त कहलाएगा। अब इसकी जो भुजा है त्रिभुज की, उसको वो हमें दी है 2√3, और हमको बोला है कि इसकी जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी, ठीक है, तो अंत त्रिज्या निकालना है। तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, भुजा यानी कि जो साइड है अपॉन 2√3। और यदि आपको परिवृत्त पूछा, देखो बाहर अगर सर्कल बनेगा तो वो परिवृत्त कहलाएगा, उसका फॉर्मूला भी लगभग सेम है, बस आपको सिर्फ √3 से डिवाइड करना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि छोटा सर्कल है तो बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, है ना, 2√3, और अगर बड़ा सर्कल है तो छोटी संख्या यानी कि √3, उल्टा याद रखो, अपोजिट। तो आते सवाल पे, तो जैसे हमने वैल्यू पुट कर दिया, भुजा यानी कि जो साइड है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आएंगे आंसर 1 सेंटीमीटर। अब देखो इसके ऊपर में एक और सवाल पूछा गया था, वो भी हम देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या है फॉर्मूला क्षेत्रफल का, वृत्त का यानी कि सर्कल का, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर, है ना, और छोटे वाले के लिए लेंगे पाई आर स्क्वेयर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो क्या है, भुजा बटा 2√3, और भुजा बटा √3 जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया।
क्योंकि वर्ग था इसलिए दोनों को एक एक साथ ले लिया। तो क्या होगा इसमें, जो हमारी भुजा है वो तो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक ही त्रिभुज के बारे में बात हो रही है ना। उसके बाद में जो √3 है ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 नीचे में, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 4√1। और एक इसका सवाल, ऐसा ही एक और सवाल है वो भी देख लेते हैं। देखो ये इस सवाल में समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया है 40 सेंटीमीटर। इससे एक भुजा आप निकाल सकते हैं, 40 को आप डिवाइड कर देंगे 4 से तो एक हिस्सा हो जाएगा, यानी कि एक भुजा हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर की। अब आपको जो है ये कोण भी दिया है 60 डिग्री का। अब ये दोनों भुजाएं भी समान हैं और ये कोण भी 60 डिग्री का है, तो हम इसे जो है बोल सकते हैं कि ये जो है समबाहु त्रिभुज जो है उसके उसके समान ही आपको ये मिलेगा। ठीक है, वही आप अगर इसको गेस कर लिए सही तरीके से। और ऊपर से क्या है कि ये जो भुजा है इसको दो हिस्सों में बांट दिए, किसको, समचतुर्भुज को। तो यदि हम ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम नीचे वाले का भी पता कर लेंगे, तो यानी कि दोनों को मिला देंगे तो हम तब जाकर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालते, इसका फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अब भुजा आपको दी है 10, जो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, √3/4 इंटू 10 है ना, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 और 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा। तो इसका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमको मिल गया है यहाँ सर, यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 25 है, 25√3, तो इसके दुगने कर देंगे तो हो जाएंगे 50√3। और यहाँ पर जो है हमको क्या मिल गया है, पूरे जो समचतुर्भुज है उसका एरिया, तो उसका एरिया हो जाएगा कितना, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50√3। ये जो 19 नंबर का सवाल है यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, इक्वल टू है 1/tan 7θ। अब आप सॉल्व कर सकते हो, देखो इस तरीके से दिया है और आपको पूछा है कि, ठीक है जो भी पूछा है आप वहाँ पे बाद में निकाल सकते हो, पहले तो आपको थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि tan θ+9 पूछा है, सॉरी 36 पूछा है। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर, टेन का मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है कॉट होता है, cot 7θ, और tan 3θ। अब यहाँ पर कॉट को अगर आपको टेन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी देखो एक तो इनवर्स ये होता है, तो इसका इनवर्स आपको पता है कि क्या होता है, कॉट होता है, तो सॉरी टेन होता है इसका, तो आप जो है 90 माइनस करो थीटा को, ठीक है, तो ये टेन बन जाएगा, tan 90 माइनस 7θ, और यहाँ पर tan θ ही रहेगा, टेन टेन कैंसिल हो गया, तो इधर कितना रहा, 3θ = 90 माइनस 7θ, थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितने हो गए, 10θ 90 00, कैंसल, थीटा की वैल्यू आ गई 9, जो कि यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा tan 9+36, tan 45, tan 45 का मतलब होता है 1। आपको 40,000 का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है,
तो 3 साल का तो है, तो फिर आपको पता है कि कितने डब्बे बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और एक डब्बा इधर रहता है, इसका कोई काम नहीं है, बस इन डब्बों का काम है। अगर इसका 8% निकालो, 2 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, 8 4 कितने हो जाएंगे, 32, और ये 2 0। पहले साल का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3200 3200 3200 ये हमको साधारण ब्याज के बारे में बताएगा, आगे वालों का काम है। फिर से 8% निकालेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 2 16, 1 8 24 25, 256 256 256। अब 256 का फिर से 8% निकाल लो, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा 800 का, 4 48, 4 8 45 44 4 8 9 16 20, 2 0 है, 2 पॉइंट लगेंगे, तो कितने हो गए, 20 पॉइंट, 20.48। अब इन सबको प्लस कर दो, इसको 3 से गुना कर दो, 18 1 15 16 16 7, और ये 20.48, तो 48.887, तो इसका आंसर रहेगा 788.48। आपको मैं पहले समझा देता हूँ, आप सवाल तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक रिवर है, एक मतलब कि झील है, ठीक है, नदी है। अब उसने क्या बोला है कि इसके ऊपर जो है, नदी के ऊपर में कुछ मीटर की ऊंचाई पर से जो है, और ये जो बादल है इसके एक बिंदु से जो है, एक जो है कोण, उन्नयन कोण जो है बन रहा है, लेकिन वो उन्नयन कोण कहाँ पर बन रहा है, 200 मीटर की ऊंचाई पर। तो ऐसा मान लेते ना कि यहाँ पर कुछ पहाड़ वगैरह है 200 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर ये कोई इंसान है जो कि बादल को देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण 200 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है, और कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का यह कोण बन रहा है। अब क्या हुआ कि अब उसने बोला कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं, यहाँ पर ये जो सवाल में पूछा गया है, सवाल में आपको बोला गया है कि बादल की जो ऊंचाई है नदी से यानी कि झील से वो कितनी है। अब हमको इतना पता है कि ये जो पहाड़ी की ऊंचाई है, मान लेते हैं पहाड़ है ना, तो ये 200 मीटर है, इसके भी ऊपर बादल है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है एच है, पहाड़ी के ऊपर में जो उसकी हाइट जा रही है ना, उसको एच मान लेते हैं। तो इसका टोटल हाइट कितना हो जाएगा, एच प्लस 200 हो जाएगा ना, एच प्लस 200 क्या हो गया, ये झील से लेकर बादल की ऊंचाई। सवाल में अभी आपको क्या बोला कि इसकी जो परछाई बन रही है मतलब के अंदर में, अब वहाँ तक जो ये अवनयन कोण है ये है 60 डिग्री का। अब अवनयन कोण कहाँ से बनेगा, वहीं से बनेगा जहाँ पर खड़ा है इंसान, इसका उल्टा कर दीजिए अवनयन कोण, तो ये 60 डिग्री आपको दिया है। और आपको सवाल में पूछा है कि ये बादल की ऊंचाई कितनी है, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, तो आप जो है इससे मतलब के अब आसानी से जो है फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, पहले 30 डिग्री से जो है, फिर उसके बाद में 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी हाइट हम निकाल पाएंगे। तो चलिए, इसके पहले और भी चीज़ें आपको समझ लेना है कि ये अब जैसे 60 डिग्री दिया है आपको, ये जो हाइट है ये कितनी है, ठीक है, क्योंकि बादल, अब देखो कहाँ से आपको गिनना है, मतलब कि ये जो पहाड़ी की चोटी है ना, वहाँ से काउंट करना है इसकी हाइट जो नीचे जा रही है अभी समुंदर के अंदर में या पानी के अंदर में। तो पहले से तो ये 200 मीटर है, अब और क्या हो गया, जितना ऊपर ये बादल था उतना ही नीचे बादल चले गया, तो ऊपर में कितना था, एच प्लस 200 था, है ना, तो इसकी टोटल हाइट क्या हो जाएंगी,
एच प्लस 200 पानी तक के, और पानी के ऊपर की ये जो पहाड़ी की 200 मीटर की हाइट है ये भी तो हमको काउंट करना पड़ेगा ना। तो टोटल हाइट इसकी हो गई है एच प्लस 400। बस उसके बाद में आप जो है सॉल्यूशन अब निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम जो है ये जो है इसको हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, इसके लिए भी ये बी ही रहेगा, ठीक है। अब हम अपने सवाल पे आते हैं, टैन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट में एच है और जो एडजेसेंट है वो बी है, टैन 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू एच बाय बी, यहाँ से बी की वैल्यू पता चल जाएंगी, बी इक्वल टू √3h, ठीक है। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब आपको क्या लेना है, टेन 60, तो टेन 60 में अपोजिट में क्या आएगा एच प्लस 400 और एडजेसेंट तो यही रहेंगी, ठीक है। तो बी, बी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर पुट कर दो, टेन 60 की वैल्यू है √3 और एच प्लस 400 और एच √3, ये √3 इधर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट, क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, और एच भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3h हो जाएगा, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये h मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h, 3h इक्वल टू एच प्लस 400, एच इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, कितने h बचे 2h, ठीक है। नीचे चले गया नहीं, तो इधर हो गया है कितना 2h इक्वल टू 400, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितने हो गए 200, h की वैल्यू मिल गई। अब हमको सवाल पे देखो क्या पूछा था कि ये जो मतलब के आपका पानी था, ठीक है, यहाँ से पूछा था बादल की हाइट, तो यहाँ तक तो हमको हाइट ये पता चल गया 200 है, ठीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे ना हाइट, तो ये अगर पहाड़ी है, ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएंगी, ये भी 200 हो जाएंगी, ये तो दिया ही है पहले से, ठीक है, 200 के ऊपर से वो उसकी जो है ये हाइट अब 30 डिग्री वाली काउंट हो रही है, तो 200 कितने हो जाएंगे, ये टोटल हाइट हो जाएंगी कितने की, 400 की, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 400 मीटर, हो गया।